नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा भी जारी है। स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट कराने की जगह 26 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की, तो वहीं बीजेपी के 106 विधायक नाराजगी जताने राजभवन पहुंच गए। बीजेपी विधायकों ने राजभवन में अपना शक्ति परीक्षण दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ बहुमत खो चुके हैं, अल्पमत में उनकी सरकार है, इसीलिए तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। उधर राज्यपाल ने बीजेपी विधायकों को भरोसा दिया कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कोरोना वायरस की वजह से स्पीकर ने आज विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले राज्यपाल लालजी टंडन ने 1 मिनट से भी कम समय में अपना अभिभाषण खत्म कर दिया और सभी से अपना संवैधानिक दायित्व निभाने की बात कही। बताया जा रहा है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराने के उनके निर्देश का पालन ना होने से नाखुश थे, इसीलिए उन्होंने कमलनाथ सरकार का 40 पन्नों का अभिभाषण नहीं पढ़ा। उधर विधानसभा स्थगित करने के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कल सुप्रीम कोर्ट में इसी अर्जी पर सुनवाई होगी। कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार को आदेश दिया था। संविधान ने जो उन्हें शक्तियां प्रदत्त की है उसके अंतर्गत के सरकार आज ही मतलब 16 तारीख को ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट करवाए। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई, सत्र स्थगित करके ही भाग गई। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे, भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं, और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने ये निवेदन किया है, उनके सामने हमने परेड किए, ये बहुमत देख लीजिए। मतलब सर आपने सरकार के सामने आपके सामने अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं अगर आपके पास संख्या बल है तो। आज ही तो भग गए, टाइम काटू काम कर रहे हैं कि जितनी कटे तो कट जाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ जो अल्पमत की सरकार है उसको क्या निर्णय लेने का अधिकार है, क्या फैसले करने का अधिकार है? रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, क्योंकि अब अगला सत्र 27 को होना है, क्या किसी विशेष प्रावधान के तहत पहले भी सत्र बुलाया जा सकता है ताकि फ्लोर टेस्ट हो सके? क्योंकि आज राज्यपाल ने खुद कहा कि अधिकारों का हनन नहीं होगा और साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई भी होनी है, तब क्या स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी? जी बिल्कुल, अब कम से कम कल तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा क्योंकि भाजपा ने अपना दांव चल दिया है। एक तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी और उसकी याचिका पर, भारतीय जनता पार्टी की याचिका पर कल सुनवाई उस पर तय है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 106 विधायकों को आज राज्यपाल के सामने पेश कर दिया, उनकी परेड करवाई। एक विधायक जो है क्योंकि उनकी माताजी का निधन हुआ है तो वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन बाकी 106 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी जब राज्यपाल के सामने गई तो राज्यपाल ने उनसे पूछा, उस वक्त सब कैमरे चालू थे, उन्होंने सबके सामने पूछा कि क्या वो किसी दबाव में यहाँ उनके साथ मौजूद हैं या फिर अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। सबने एक ही सुर में कहा कि वो अपनी इच्छा से यहाँ पे आए हैं, सब भाजपा के साथ हैं। उसके बाद राज्यपाल ने कह दिया कि अब आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा, अगर हमने आदेश दिया है तो उसका पालन भी सरकार को करना होगा। और इसके बाद राज्यपाल वहां से चले गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि सभी विधायक जो यहाँ पे लाए गए थे उन्हें अब एक साथ फिर
उसी होटल में ले जाया जाएगा जहां से उन्हें यहां लाया गया था। अब कल की सुनवाई के ऊपर ही आगे का पूरा भविष्य जो है मध्य प्रदेश सरकार का वो टिका हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या बातचीत आके निकल के सामने आती है और उसके बाद राजभवन का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सभी विधायकों को आज राज्यपाल के सामने परेड करवा दी है। बने रहिए हमारे साथ रवीश, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सबकी निगाहें राज्यपाल के अभिभाषण पर टिकी हुई थी। राज्यपाल के साफ निर्देश के बावजूद कमलनाथ बागी विधायकों की वापसी से पहले फ्लोर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके थे। सरकार पर सस्पेंस के बीच जब मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों का आना शुरू हुआ तो चेहरों को देखकर ये पढ़ना मुश्किल नहीं था किसके मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस के विधायक सीएम कमलनाथ की अगुवाई में पहुंचे तो सदन के बाहर कांग्रेसी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी कर ये दिखाने की कोशिश की कि बहुमत को लेकर कांग्रेस को कोई शक नहीं। उधर गुरुग्राम से लौटे बीजेपी विधायक पूर्व सीएम शिवराज सिंह के साथ विधानसभा में पहुंचे। बीजेपी विधायकों ने भी पहुंचते ही नारे लगाए। इस बीच शिवराज ये सुनिश्चित करते नजर आए कि उनके सारे विधायक पहुंचे हैं या नहीं। एक तरफ सरकार को लेकर सस्पेंस, दूसरी तरफ कोरोना का डर। कई विधायक मास्क से चेहरा ढंके नजर आए। पाला बदलने की इच्छा रखने वालों के लिए ये संयोग अच्छा हो सकता है क्योंकि कोई उनका चेहरा नहीं पढ़ सकता। उधर विधानसभा के भीतर का नजारा और भी दिलचस्प था। शिवराज अपने खास अंदाज में नमस्कार करते अपनी सीट की तरफ बढ़ते दिखे। उनके सहज अंदाज से सत्ता में वापसी को लेकर भरोसा साफ नजर आ रहा था। उधर पूरे प्रकरण से कमलनाथ थोड़े असहज नजर आ रहे थे। ठीक 11 बजे राज्यपाल लालजी टंडन की एंट्री हुई तो सबकी सांसें तेज हो गईं। बीजेपी खेमे से फ्लोर टेस्ट की मांग के बीच राज्यपाल ने एक मिनट से भी कम समय में अपना अभिभाषण खत्म कर दिया और इसके बाद जो कुछ कहा उसमें कमलनाथ और स्पीकर के लिए संदेश छिपा था कि वो बगैर देरी किए बहुमत साबित करें। जिसका जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। राज्यपाल अपनी बात कहकर चले गए लेकिन उनके जाते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच स्पीकर ने कोरोना की वजह से 26 मार्च तक के लिए विधानसभा स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इसने एक साल में 3 दफा अपना बहुमत सिद्ध किया जी। अगर कोई कहे कि हमारा बहुमत नहीं है जी। अरे नहीं है, स्वतंत्र है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते, यही कहते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक तो पहुंच गए लेकिन बागी विधायकों का दूर दूर तक अता पता नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि जब तक वो उपस्थित नहीं होंगे तब तक स्पीकर उनके इस्तीफे पर फैसला कैसे लेंगे। जिसके पास इस्तीफा सौंपा है उसके पास सीधे संपर्क क्यों नहीं किए जा रहे हैं। मैं चिंतित हूं संरक्षक होने के नाते कि मेरे विधानसभा के माननीय सदस्यों के साथ क्या हो रहा है। कमलनाथ को 26 मार्च तक के लिए मोहलत मिल गई लेकिन 27 मार्च को जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तब भी सवाल होगा कि किसके पास है नंबर।
हेमेंद्र शर्मा के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक। मध्य प्रदेश के मौजूदा संकट पर कांग्रेस विधायकों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरे माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मेरे बहुत पुराने मधुर संबंध हैं, तो केवल सौजन्य भेंट के लिए गया था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। नहीं, उनको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का भी, राजभवन जाने का भी, पर जो भी विधानसभा में कार्यवाही हुई है नियम प्रक्रिया के अधीन हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने भी बहुत बढ़िया संदेश दे के गए हैं पक्ष विपक्ष दोनों साथियों को, और हम सबको इसी का अनुसरण भी करना चाहिए। और इस तरह का प्रोपोगंडा खड़ा करना, विधायकों को अगवा करना, ये मध्य प्रदेश की राजनीति की संस्कृति नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा कथित कुछ नेताओं के साथ मिलके जिस तरह की ये रणनीति बनाए हैं, और जिस तरह से यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है और हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको अधिकारों का हनन करने का जिस तरह से प्रयास किए हैं, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। क्या वजह बताई गई सदन स्थगित करने की? आपको सबको आपके संज्ञान में होगा, पूरे देश में कोरोना का बड़ा भारी जबरदस्त प्रकोप है और उसको लेके कई देश के कई विधानसभाएं स्थगित हुई हैं, बहुत सारे संस्थान बंद हुए हैं। इस वजह करके यहाँ हमारे सभी माननीय सम्मानीय विधायकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको सब ये हम लोगों ने हाउस को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि कोरोना की वजह से इस सदन स्थगित। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने किया था, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। आगे क्या होगा सर? आगे हाउस चलेगा 26 तारीख। वही होटल रहेंगे तब तक? नहीं, विधायक अपने जहाँ जिस जो रह रहा वही रहेंगे, होटल में भी जाएंगे, घर जाएंगे। मैं अपने घर जा रहा हूं, घर में ही रह रहा हूं। जयपुर जाएंगे कि नहीं फिर दोबारा? नहीं, जयपुर नहीं जाएंगे। और संसद में आज राहुल गांधी ने बैंक घपले से लेकर डूबते लोन तक पर सरकार से जवाब मांगा, तो वहीं अनुराग ठाकुर को प्रियंका गांधी की पेंटिंग की याद आ गई। तो आज मैंने अपना पहला क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी जी सरकार बैंक डिफॉल्टर्स की बात करती है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज जाम पड़ी है, धसी हुई है, एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो मैंने ये पूछा कि भाई ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये कौन हैं, इनके नाम मैंने पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला, मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, जो पार्लियामेंट्री हक है मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया, तो इससे मुझे काफी चोट पड़ी और ये मेरे एमपी के होते हुए मेरे अधिकार पर चोट मारी गई। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। आप तो मेरा पहला सवाल ये है कि उनके 50 नाम क्या हैं? 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर है 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूँ, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूँ सर। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ये इनकी सरकार के समय पैसा देकर लोग जो विदेश भाग गए थे, IBC कानून किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4,80,000 करोड़ रुपया बैंकों की रिकवरी हुई NCLT के IBC प्रोसेस से पहले और बाद में, तो मोदी जी की सरकार के समय हुआ। और अब येस बैंक से जुड़ी खबर जिसके ग्राहकों के लिए राहत है। येस बैंक की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि बैंक की सभी सेवाएं 18 मार्च से बहाल हो जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया था, कैश की निकासी पर भी लिमिट लगा दी गई थी, लेकिन अब येस बैंक की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि सभी सेवाएं 18 मार्च यानी कि परसों से बहाल हो जाएंगी।
अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।